आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحان الله يا خدا بهره جناب مصطفى امداد كن يا رسول الله از بهره خدا امداد كن يا شهيد کربلا يا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادائے گل کو قبا امداد كن वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सितरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक न यक बनाया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह। ये आप लोगों का मजमा आप लोगों का इकट्ठा होना आप लोगों का हाजिर होना ये निगाहें ये आँखें ये नजरें यकीनन किसी की तो राह तक रही है यकीनन इन निगाहों को किसी का तो इंतज़ार है। या रसूल अल्लाह सरे महफिल करम इतना के सरकार हो जाए सरे महफिल करम इतना के सरकार हो जाए और निगाहें मुंतजर रह जाएं और दीदार हो जाए निगाहें मुंतजर रह जाएं और दीदार हो जाए गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में मोहम्मद नाम पे सौदा सारे बाजार हो जाए मोहम्मद नाम पे सौदा सारे बाजार हो जाए। हजरात अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन को पैदा किया है नबी के सदक़े में पैदा किया है आसमान को पैदा किया है नबी के सदक़े में पैदा किया है चुनी को पैदा किया है नबी के सदक़े में पैदा किया है शजर को पैदा किया है नबी के सदक़े में पैदा किया है मक्की को पैदा किया है नबी के सदक़े में पैदा किया है। मुसलमानों अल्लाह तबारक व ताला ने सितारों को पैदा किया है नबी के सदक़े में पैदा किया है और मेरे इमाम ने कलम को उठाया और लिखना शुरू कर दिया जमीन और जमा तुम्हारे लिए मदीना मक्का तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन और फलक सिमों को समक मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए इसालत कुल इमामत कुल सयादत कुल इमारत कुल खुदा के यहां तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले लिबा के तले सना में खुले लजा की सबा तुम्हारे लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि नबी की महफिल में बैठने से क्या होता है आइए हजरात मेरे नबी की महफिल में बैठकर देखो मेरे नबी की महफिल में आकर देखो तुम्हें पता नहीं है मेरे नबी की महफिल इतनी अजमत वाली और बाबरकत वाली हुआ करती है। चाहे कितना बड़ा भी गुनाहगार इंसान हो चाहे कितना बड़ा भी पापी हो अगर मेरे मुस्तफ़ा की महफिल में बैठ जाया करता है अगर मेरे मुस्तफ़ा की नजर करम हो जाए तो उसे भी जन्नती बना दिया जाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह जन्नती बना दिया जाता है। और इमाम अहमद रजा का आशिक इमाम अहमद रजा की शान में लिखता है अरब बोलता है आजम बोलता है अरब बोलता है आजम बोलता है नबी की सना तो सनम बोलता है और मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता ये अहमद रजा का कलम बोलता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुछ भी ना होता ये अहमद रजा का कलम बोलता है जमी बोलती है समा बोलता है नबी की सना तो बेजबा बोलता है। अरे गमे इश्क में आग लगा कर तो देखो अरे मोहम्मद मोहम्मद धुआ बोलता है। वाह वाह सुभान अल्लाह
किसी ने कहा कि तुम नबी की महफिल को सजाया करते हो तो कितने टाइम सजाया करते हो। मैंने कहा भाई हम अपने नबी की महफिल को जब तक सजाया करते हैं जब तक हमारा दिल जाता है। अरे मुसलमान हो, मैंने उससे